हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका आरके टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड डाउनलोडिंग के बारे में। आप अपने घर पे घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे मिनटों में आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसको डाउनलोड करके यूज करना है, सारी डिटेल्स में मैं आपको कवर करूंगा इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए, तभी आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी। आपके पास आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए केवल एक स्मार्टफोन होना चाहिए और उसमें अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल के जरिए आप अपना आधार कार्ड मिनटों में डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने आधार कार्ड तो बनवाया लेकिन बाई पोस्ट आपका आधार कार्ड घर तक नहीं आ पाता है, तो उस कंडीशन में आप ई आधार अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पे आने के बाद ही हमें करना क्या होगा, आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मेरे पास गूगल क्रूम है, आप क्रूम से अलावा कोई भी ब्राउज़र ओपन कर यूज करते हैं तो उसको आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपेरा मिनी हो गया, मोजिला फायरबॉक्स हो गया, जो भी ब्राउज़र आप यूज करते हैं उसको आप ओपन कर लीजिएगा। और ओपन करने के बाद में हमें जाना पड़ेगा गूगल पे। गूगल में यहाँ पर जाने के बाद में हमें सर्च करना है uidai.gov.in। ये हमें डाल के ये सर्च कर देना है। जैसे ही हम ये सर्च करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा निकल के। तो इस इंटरफेस में हमें क्या करना होगा, इस इंटरफेस में हमें फ़र्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमें ये ऑप्शन मिल जाता है यहाँ डाउनलोड आधार का। इस डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो थोड़ी सी इसमें लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद में ये आगे का इंटरफेस यहाँ पर हमारे सामने शो हो जाता है। इसके बाद में ये ओपन पेज, ये पेज ओपन हो चुका है हमारे सामने। तो यहाँ पर हम इसमें अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना आधार नंबर डालने के लिए, चलिए हम डाल लेते हैं इसमें। मैंने आधार नंबर यहाँ डाल लिया है। अब इसमें हमें डालना है सिक्योरिटी कोड, जो भी यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ये हम डाल लेते हैं। चलिए इसमें एक दूसरा अपडेट आया हुआ है, अगर आपका नंबर आपके इसमें रजिस्टर्ड है तब तो सेंड ओटीपी कर दीजिएगा, अगर नॉन रजिस्टर्ड है तो इस, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो नॉन रजिस्टर्ड पे क्लिक कीजिए और कोई भी नंबर दे दीजिए, उसके बाद उसी नंबर पे ओटीपी आएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मैंने क्लिक कर दिया है ओटीपी के लिए। अब हम वेट कर लेते हैं ओटीपी का। OTP में थोड़ा टाइम लग रहा है, हम वेट कर लेते हैं। चलिए, OTP हमारे पास आ चुका है, हम यहाँ OTP डाल लेते हैं 5864000। मैंने यहाँ OTP डाल दिया है। मैं यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पे सबमिट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है अभी। ये देखिए, सबमिट होने के बाद में मेरा आधार कार्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है और होने के बाद में ये मेक पेमेंट का ऑप्शन मांग रहा है। देखिए, अगर आपको इसका आधार कार्ड का प्रिंट भी लेना है तो आप यहाँ से मेक पेमेंट करके और सीधे आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपके फ़ोन में ये डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर है, इसमें दिखा रहा है मेक पेमेंट। चलिए, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिखाएगा आगे। ये देखिए, 50 रुपये आपको चार्ज लगेगा और आपका ये प्रिंट होके आ जाएगा।
तो ठीक है, आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी मेन स्क्रीन की तरफ। तो अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बताया है कि कैसे आधार कार्ड डाउनलोड करना है, कैसे उसमें ओटीपी डालना है, कैसे कहाँ से वो डाउनलोड करना होगा। सारी डिटेल्स में मैंने आपको कवर कर दिया है, तो इसी तरह से आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, डाउनलोड करते समय आप ये ध्यान रखें कि आपका जो ओटीपी है या आपका आधार नंबर है वो आपको किसी को नहीं दिखाना है, क्योंकि एक आधार कार्ड अगर आपने कहीं दिखा देते हैं तो उसके जरिए आपका क्लोनिंग हो सकती है। तो आपको आधार कार्ड अपना कहीं पर शो नहीं करना है, अपना आधार कार्ड नंबर डाल के आप ओटीपी सेंड करेंगे तो एक ओटीपी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी आप जैसे ही डालेंगे उसके बाद में आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद में जब भी आप उस आधार कार्ड को फाइल जब भी ओपन करेंगे तो वो फाइल पासवर्ड मांगेगी। तो आप पासवर्ड में अपने नाम के स्टार्टिंग के 4 लेटर कैपिटल लेटर में और उसके बाद में बर्थ ईयर, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में जो साल होती है लास्ट की, 1928 या 1999, 1995 जो भी है, आप वो डाल दीजिएगा, आपका आधार कार्ड ओपन हो जाएगा। अब आप इसको कहीं भी प्रिंट निकाल सकते हैं और कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।